आज की डेमोक्रेटिक वायर की इस वीडियो में किस्सा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा का कि कैसे इन दोनों के बीच प्यार को देखकर जया बच्चन रो पड़ी थी। ये किस्सा बेहद ही मजेदार है। आप ये किस्सा जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आपके साथ मैं हूँ महक। दोस्तों, 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और रेखा अपने रिश्ते की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते थे। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आती थी। यही वजह है कि ये जोड़ी उस दौर में सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी। दरअसल रेखा ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में बिग बी के साथ कई सारे रोमांटिक सीन दिए थे, जिसे देखने के बाद जया बच्चन जोर से रोने लगी। दरअसल फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन और रेखा ने कई सारे रोमांटिक सीन दिए थे। उस दौरान दोनों के अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि जब मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो देखने पूरा बच्चन परिवार प्रोडक्शन रूम आया था, तब एक्ट्रेस भी वहीं पर मौजूद थी। उस वक्त जब फिल्म चल रही थी तो वहां सबने ज्यादा जया बच्चन को नोटिस नहीं किया जितना मैंने किया था। रोमांटिक सीन चलते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन इसके हफ्ते बाद इंडस्ट्री में हर कोई मुझसे यही कह रहा था कि अमिताभ बच्चन अब आगे उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। यहां तक कि उन्होंने कई निर्माताओं से भी ये बात कह दी थी। वहीं बात करें रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की, तो दोनों का रिश्ता लगभग 5 साल तक चला था। साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा और अमिताभ के बीच करीबियां बढ़ी थी। कहा जाता है कि दोनों का शादी करने का भी प्लान था, लेकिन ये कहानी अधूरी ही रह गई। साल 1981 में फिल्म सिलसिला के बाद यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था। वहीं आज भी कई बार इन दोनों के प्यार की चर्चा होती है। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा के लिए आज भी ये कहा जाता है कि वो अमिताभ बच्चन को कभी भूल ही नहीं पाई है। तो ये है किस्सा कि कैसे जया बच्चन अमिताभ बच्चन और रेखा के रोमांटिक सीन्स को देखकर रो पड़ी थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।